अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल मिल्क शेक लेके आई हूँ। इसको आप इफ्तारी में पी सकते हैं, इसका मज़ा भी ले सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि आपको मतलब गर्मी भी है तो वीकनेस वगैरह होती है, तो ये बहुत हेल्दी मिल्क शेक है। आप लोगों को पीने में इसको बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी रिफ़्रेशिंग भी फील होगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। एंड लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। इसके लिए आप लोगों को चाहिए आइसक्रीम सिरप, ये आपको किसी भी शॉप में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और बनानास चाहिए, 2 ग्लास मिल्क चाहिए, आइस क्यूब्स चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों को कोल्ड मिल्क यूज़ करना। अगर आप कोल्ड मिल्क यूज़ करेंगे तो ये बहुत यम्मी बनेगा, और अगर नहीं करेंगे तो आप आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा यूज़ करनी है, लाइक 8 to 9 आइस क्यूब्स या 10 आइस क्यूब्स, अगर इस साइज़ के हिसाब से, तो मतलब आप ही डिपेंड करता है। शुगर चाहिए, अलमराई फ्रेश क्रीम, में अलमराई की ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो ब्रांड अवेलेबल है अब वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तुख मलंगा चाहिए, ये मैंने सोक किया हुआ है, आपको सोक यूज़ करना है। वैसे ये इस तरह दिखता है, अगर आप लोगों को नहीं पता, इसको चिया सीड्स बोलते हैं। इसको सोक करना है आपको लाइक अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स, उसको रख के छोड़ देना, उसके बाद ही कुछ इस तरह की मतलब फॉर्म में बन जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 2 ग्लास मिल्क डाला, ये मैंने इसको मेजर किया हुआ, तो ये 2 ग्लास मिल्क था, ठीक है, 2 ग्लास मिल्क हो गया। ये आपने ये डाल देना है पहले, उसके बाद आपने 2 या 3 बनानास, मतलब अगर आपको बनानास का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप 3 बनानास भी डाल सकते हैं। मैंने कटिंग करके रखी थी, तो आप इसको इस तरह डाल लें पहले, ठीक है। उसके बाद आप तुख मलंगा ले लें, ये 2 टेबलस्पून है, 2 टेबलस्पून तक आपने इसको डालना है, ठीक है। ये आपने डाल दिया, इसके बाद अब हम इसमें ये यम्मी सा आइसक्रीम सिरप डालते हैं। ये इतना मज़े का होता है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। इसको आपने डालना है 4 टेबलस्पून, ठीक है, ये आपने 4 टेबलस्पून डाल देना है, सही हो गया। इसके बाद हम डालेंगे ये फ्रेश क्रीम, ये आपने 1 टेबलस्पून डालना है, इससे भी टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपने 4 टेबलस्पून शुगर डालनी है, तो मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपको बहुत कम चाहिए तो आप 1 या 2 डाल दें, और अगर मतलब आप पे डिपेंड करता है इसमें टेस्ट। और इसके बाद आपने आइस क्यूब्स डालनी है, आइस क्यूब से भी मतलब ठंडा ठंडा हो जाता है तो क्रीम मतलब और मज़े की लगती है, तो आपने आइस क्यूब्स डाल देनी है, इसको बनाते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारा रमज़ान स्पेशल मिल्क शेक तैयार है, और ये इतना डिलीशियस लग रहा है, यम्मी, ये बहुत 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 मज़े का है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। चलिए ये देखें, अब रेडी हो चुकी है ड्रिंक। इसको अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, मेक श्योर कि आप इसको जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किस तरह की लगी है। एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।